लोग 30 से 32 टाके आए थे। मिस्त्री को हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पता है, आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो गेहूँ धुल रही वो मेरा घर नहीं है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ना। तो मैं दूसरे के घर में जाके धुल रही थी, अचानक से नल बंद हो गया, मैंने गेहूँ फुला दिया था, फिर वो ख़राब हो जाता और एक भी आटा नहीं था। और शायद मैं दूसरों के घर में जाके अपना ये काम नहीं करती तो आपको पता ही है बहुत ज़रूरी था। तो फिर फटाफट से मैंने गेहूँ भी धुल लिया था। तो अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, काफ़ी सुबह का टाइम है और आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो कल तैयार कर लिया था, आज ही पब्लिक करूँगी। और ये ना देवू की ड्राइंग है, आपको पहले बताया था ना, ये देवू ने ही कलर किया है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, उसको सिखाते हम ज़रूर हैं कि ऐसे बनना है बाबू, ऐसे बनना है, तो वो काफ़ी कुछ सीखता है। और कम से कम वो पेंसिल पकड़ना तो सीखेगा भी, है ना। और ये देखिए, एक मेरे हस्बैंड ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मेरा बाबू ऐसे लाइट वो करता है, बट यहाँ पे कोई वो नहीं है, एक में तो चार्जर लगा रहता है, बटन ही रहती है, और जो कूलर की बटन है ना वो बाहर साइड हमने लगाई, अंदर साइड नहीं लगाई है। तो उसको भी बहुत खुशी हो रही थी, एक ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, देवू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पहले बाबू बहुत छोटा था जब कूलर लगा हुआ था, अभी वो काफ़ी समझदार हो। और पता है, मैं गेहूँ ना ऐसे ही भर के रख देती हूँ, सिर्फ धूप तो पता है आपको कितनी ज़्यादा कड़ी निकल रही है, तो बहुत सूख गया था। अब कल जब फैलाना होगा वापस से इसी बोरी को पलटा दूँगी। ऐसे चटाई में ऐसे ही रख दो ना, साड़ी में रहता तो ठीक है, तो पूरे जगह गिरता है। और इस गेहूँ को धुलने में, ऊपर नीचे लाने में, हालांकि एक भैया थे तो उन्हें ऊपर नीचे कर दिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। चूल्हे को भी आज ही मैंने पोता है, आपको दिख रहा होगा बढ़िया बढ़िया वाला। और ये पता है जो तुलसी का पौधा है ना, जब हम इंदौर गए हुए थे तो 4-5 दिन पानी नहीं डाला, इस वजह से सूख गया था। चलो आप मेरी तो अभी पता है मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ बहुत टाइम के बाद। और आज पता है बहुत ज़्यादा बालों में तेल था, मैंने क्रैचर लगा लिया। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ, कल हम सोए थे ना हवा में, ये देखो इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी आ रही, बहुत अच्छी आ रही। एक जन तो आज कहाँ गया था, आज एक जन गया था बाहर काम करने के लिए। कौन गया था जल्दी बता दो, कौन गया था देवू? आज एक लोग थी, एक वो काम करने गई थी बाहर, उसको मना किया था कि मत जा किसी के घर, देख रहे हो आप लोग, गई थी ये पता जो ये बोल रहा है ना, वो कम से कम सुबह से कल से, कल मैं गेहूं धुली थी और 50 बार बोल चुके हैं कि तू बाहर काम करने गई थी। दूसरे अभी वो बताओ, हमारे घर का गेहूं था, अगर कुछ हो गया, मतलब जैसे आपको पता है ना कि अभी नल नहीं आ रहे थे, अरे तो धुल जाते कुछ, जब तुमको निकालो दिक्कत कर रही है, मालूम है पानी नहीं आ रहा है, निकाल ही दो। देख रहा है आवाज में कितना फर्क है। और पता है कि क्या हुआ कि मैंने गेहूं डाल दी, मुझे नहीं पता था अचानक बंद हो जाएंगे, इतना पता था कि 1-2 दिन के बाद बंद होने थोड़ी टाइम के लिए, मैंने उतने में गेहूं फैला दिए। उसके बाद क्या करती, मुझे जाना था कहीं ना कहीं गेहूं धुलने, आजू में थोड़ा सा बोरिंग है जिनके आता है, तो मैंने कहा गेहूं में रख लेती हूँ। फिर इन्होंने एक भैया थे फिर उनसे पकड़ के नीचे रखवाया, अब इसको कपड़े पहनाने के लिए कर ली। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने गेहूं धुले। ये पता मुझे क्या चढ़ा रहे हैं, बोलते तू दूसरों के यहाँ गई थी काम सही बात, दूसरे यहाँ का काम कर रही हूँ, मेरा खुद का काम था, बाद में करने की जगह तो गेहूँ फूलता तो खराब नहीं हो जाता, तो फुला भी कौन है, नला रहे थे, देखे थे कि नहीं देखे थे। तो
बहुत बार मुझे कह चुके हैं ऐसा, बताओ अगर गेहूँ में नहीं फुलाती तो पूरा खराब चला जाता, करीब नहीं था तो 10-15 किलो गेहूँ था, और फिर त्योहार में ही खत्म हो जाता, तो अच्छा लगता है क्या? पापा पापा इधर देखो, बात कर लो, हाँ, और ये कपड़े क्यों पहने रहते हो तुम? तो पता है ये ना ज्यादातर ना ताबड़ी लगाए रहते हैं और ये पहने रहते हैं। हाँ तो भाई क्यों पहने रहते हैं? क्या पहनेगी मान लो तुम तो देखती है टाप लगा रगड़ लगी गर्मी में टाका हाँ, तो सही समझ आता रगड़ रगड़ लगा थी शायद आप लोग को, मैंने अपने टाके दिखाए थे, देख बाबू ऐसे हो ये देखो इनको ना ऐसे वाले टाके लगे और नीचे भी हैं करीब, इनको तो 30 से 32 टाके आए थे ये, और इधर से ना नली डाली गई थी पेट से, ये देखो अलग ही निशान दिख रहे हैं आपको, तो ना इनसे पैंट पहनते नहीं बनते हैं ना, लाइक लोअर बस पहना था पूरी घर, और जींस तो आप भूल ही जाइए। हां ना हां मैं भी बोलती हूं काफी, अब पता क्या करेंगे हम, सॉफ्ट लोअर इसलिए नहीं पहनते हैं, इनको पता आड़ा जो किडनी पहले की थी ना, मैं आज आप लोगों से बता रही हूं, जो पहले ही किडनी थी उसको इंजेक्शन लगा के सुखा दी गई है, मतलब वहीं पे उसको उन किडनी को नहीं निकाली जाती है, और ये वापस से ना ये तीसरी जगह किडनी लगाई गई है मेरे हस्बैंड को, बाकी हमारी किडनी ऊपर नहीं लगती, हमारी किडनी ना इधर नीचे लगती, तो मेरा ऐसे ऑपरेशन हुआ है, मेरे हस्बैंड का सीधा हुआ, तो मुझे 15 से 20 टाँके आए हैं, इनको करीब 28-30 के अंदर ही अंदर आए, इतना तो है क्योंकि जब टाँके निकल रहे थे ना तब हमने गिने थे। तो चलो थोड़े बहुत मुझे बर्तन जमाने हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए कल मिलूंगी, अब आप लोगों से कल है भाई दूज, और यहाँ पे मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, और पलंग में हम तभी सोते हैं जब सोने वाले होते हैं, वरना अदरवाइज मैं सोफे में ही लेटी रहती क्योंकि एक उसमें होता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो रहा था तो कमर सीधी करने के लिए मैं इसी सोफे में ही लेट जाती हूँ ताकि खुद को ना रिलैक्स मिलता है, और पहले तो करती रहती थी काम तो कुछ वो नहीं होता था, बट अब जब तक बीच बीच में लेटती नहीं हूँ ना तो मेरा काम नहीं हो पाता है, मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है लेटना, आप समझ सकते हैं बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए लेट जाती हूँ तो थोड़ा ताकि आराम मिले, और उसके बाद फिर मैं जमाऊँगी बर्तन, आधे बर्तन जमाए आधे बर्तन में पता बैक पेन होने लगा तो फिर मैं उठ खड़ी हुई, ये देखिए अब आ गई हूँ वापस से बर्तन जमाने, और जो हमारे ये है ना लगा हुआ है पानी में वो एक्वागार्ड, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा लीक हो रहा था, अभी कुछ ज़्यादा महीने भी नहीं हुए उसके बावजूद भी अपने आप पता क्या हो गया क्या नहीं पता नहीं, तो मैं ये बोल रही थी कि पानी कहाँ से चूर रहा है, ये देखो जो वो लगा रहता ना साइड में डिब्बा वो पूरा भर गया, तो ये वही आके देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पानी चूर रहा था ना इस वजह से, मैं यहाँ पे बर्तन भी जमा रही थी साइट में, फिर मैंने उनको बोला ठीक है उनको हम फ़ोन कर दें क्योंकि एक साल की तो वारंटी होती ही होती है ना, मैं तब तक के लिए बाय बाय, आज का वीडियो हम एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, बाय बाय कर दो देवू, बाय बाय कर दो, बाय करो ना, बाय। अच्छा सुनो आपने होली कैसे खेली? बाय नहीं इधर पे देख के बोलो, इधर पे देख के बोलो आपने होली कैसे खेली, इधर देख के बोलो, आपको सब लोग बहुत बोलते हैं कि देवू को है ना, और अभी बस हमने खाना पीना खा चुका, नहीं खाना पीना खा चुका है, बर्तन थोड़े बहुत रखे हैं ना, आज मैंने शाम को ही बर्तन धुल लिए थे सुबह के लिए, तुम सोचते क्या रहते हो तो समझ में नहीं आता, गुमसुम गुमसुम गुमसुम, ये देवू की बहुत छोटी की बनियान है ना, देवू हमारा 3-4 बार कपड़े पूरे गंदे करता है ना देवू, बोलो हाँ, बोलो हाँ जी, खड़े हो बड़े हो के बता दो सबको आप कितने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हैं,
आपके हाथ कहाँ है? हैंड वॉश कैसे करते? सैनिटाइजर कैसे लगाते? और मेहंदी कैसे लगाते? मेहंदी पैर में नहीं लगाते, हाथ में, हाथ में। और पिचकारी आपने कैसे खेली? हाँ, कैसे चलाते हो पिचकारी? तम तम। और पीपी कैसे चलाते हैं बताओ? पीपी निन्नी निन्नी निन्नी, पर चला के दिखाओ सबको। अच्छा दे किसका नाम है? दे, हाँ दे किसका नाम है?